हर्षल पटेल के करियर की पहली हैट्रिक और ग्लेन मैक्सवेल के ऑलराउंडर गेम की बदौलत रविवार को आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने मुंबई को 54 रनों से हरा दिया। 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की पूरी टीम महज 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस हार से अब मुंबई का प्लेऑफ में जाने का रास्ता काफी मुश्किल हो गया है। बैंगलोर ने 10 मैचों में 6 में जीत के साथ तीसरे नंबर पर बनी हुई है और 10 मुकाबलों में ये मुंबई की छठी हार है, जिसके बाद वो 7वें नंबर पर खिसक गई है। मुंबई इंडियंस की इस हार के बाद एक वीडियो सामने आया है जो आईपीएल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर हुआ है। वीडियो में रोहित शर्मा हार के बाद निराशा जताते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विराट कोहली जीत का जश्न मनाते हुए मैदान में घूमते दिख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, इस हार के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने बातचीत में कहा, मुझे लगता है कि हमने शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन किया। एक समय लग रहा था कि स्कोर 180 के पार जाएगा, बल्लेबाजों ने हमें निराश किया। अब ये लगातार हो रहा है, बल्लेबाजों के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई है। जो अंदर बल्लेबाजी करने जा रहे हैं उन्हें मैदान पर समय बिताना होगा। एक दो विकेट गिरने के बाद उन्होंने हम पर दबाव बनाए रखा। हम जिस भी परिस्थिति में हैं वहां से वापसी करने की जरूरत है। विराट कोहली की आरसीबी ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए थे। इसके जवाब में शुरुआती 10 ओवरों में 2 विकेट पर करीब 80 रन बनाने वाली मुंबई इंडियंस की टीम 18.1 ओवर में 111 रनों पर ऑल आउट हो गई। बता दें कि ये पहली दफा है जब आरसीबी ने आईपीएल मुकाबले में मुंबई को ऑल आउट किया है। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।